तेजगंज गांव में महिलाएं वोट डाल के आई हैं। मैं इनसे बात करता हूं किस तरीके से आप लोकतंत्र का हिस्सा बनी हुई हैं। आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है जिसकी आज माताएं बहनें पूरी तरीके से हिस्सा बनी हुई हैं, और ये किस तरीके से वोट डाल के ये सरकार बनाना चाहती हैं मैं बात कर रहा हूँ। वोट डाल के आई माता जी? हाँ, डाल के। किसकी सरकार बना रहे हो? बीजेपी की या कांग्रेस की? अच्छा, आप कैसी सरकार चाहती हो? आप चाहती कैसी हो सरकार? हम कहा चाहता हूँ लड़का, आप सब जने जो कुछ काम कर रहा है सो भी करें जो कुछ, मतलब लड़के अच्छी नौकरी लग जाए उनकी। हाँ, ये अब लड़कियाँ खड़ी, आप बताइए कैसी सरकार होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। कैसी, क्या, किन कार्यों के लिए अच्छी होनी चाहिए, क्या कार्य होने चाहिए? सब कुछ होने चाहिए, सभी कार्य होने चाहिए। नौकरियाँ नहीं लग रही, नौकरियाँ नहीं लग रही। और तो किसकी सरकार बना रही हो आप, बीजेपी की या कांग्रेस की? हम ये नहीं बता सकते। अच्छा, ये नहीं। हाँ, चलो मैनपुरी में किसकी जीत हो रही, जयवीर सिंह की या डिंपल की? भैया के निकी हुए, हम तो वोट डाल दो। अच्छा, वोट डाल के अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। माताएं बहनें वोट डाल के आई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और वोट पड़ रहे हैं, आप लोग वोट डाला है अभी? नहीं, तो वोट डाल के आइए आप लोग। यहाँ पे जो है माताएं बहनें बहुत उत्सुक हैं और इस तरीके से वोट डाल रही हैं जैसे कोई बड़ा पर्व हो। अब देखने वाली बात ये होगी, यहाँ पे जो तीन प्रत्याशी खड़े हुए हैं, ठाकुर जयवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी से, और शिव प्रसाद यादव बहुजन समाज पार्टी से, और डिंपल यादव जो कि पहले से सांसद हैं और 3 लाख मतों से पहले जीत हुई थी उनकी। लेकिन इस बार लोगों का कहना है कि पिछली बार नेताजी के जो सिंपैथी में वोट मिला था, लेकिन इस बार वोट कैसे मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। मौजूद हूँ और युवा हमारे साथ हैं और वोट डाल के आए, वोट जो दिखा रहे हैं किस तरीके से, देखिए किस तरीके से सरकार किसकी बना रहे हो? सरकार महंगाई पे, रोजगार पे, और जो डीजल पेट्रोल जो बढ़ रही है इस पे। तो किसकी सरकार बन रही है? सरकार इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन, बिल्कुल। तो इस बार मोदी सरकार नहीं बनेगी? बिल्कुल नहीं। अच्छा, कारण क्या रहेगा? मोदी सरकार इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि वो ना तो देख रहे युवाओं की तरफ जी, ना महिलाओं की तरफ जी, ना तो कोई सरकारी कर्मचारी की तरफ देख रहे। पेंशन थी वो भी खत्म कर दी, नौकरी अग्निवीर थी आर्मी की थी वो अग्निवीर कर दी 4 साल की। अभी अगर बीजेपी सरकार बन गई तो ये खाकी वर्दी वाले बैठे ये भी 4 साल के होने वाले हैं कुछ दिनों बाद। यहाँ पर और लोग बैठे हैं, यहाँ पर बात कर ले। भैया सरकार किसकी बन रही है? सरकार किसकी बन रही है? अच्छा, नहीं तो वोट तो कहीं डाला ही होगा, मत तो है ही। सरकार किसकी चाहते हो, कैसी चाहते हो ये तो बताओ। पुलिस के साथ ड्यूटी और वोट कहाँ डाले? अच्छा, कोई बात नहीं। आप भैया? यहाँ पे भैया सिर्फ डिंपल यादव हैं। डिंपल यादव? हाँ। कितने मतों से जीते? इनकी है लगभग अभी बार 4 लाख से ऊपर। बीजेपी वाले बता रहे हार हो जाएगी? अरे वो तो अभी देखना, 14 तारीख पता लगेगा। 14 तारीख पता चल जाएगा? और चार 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 को कितनी कितने मतों से जीत हो रही लगभग बता दो। मुद्दा क्या है, जीत का मुद्दा क्या होगा? देखो यहाँ पे ये बताओ आप, आपको तो खुद पता है इतना मतलब बेरोजगार है, नए लड़के जितने हैं सब घूम रहे, भर्ती नहीं निकाली है जी। क्या हुआ, 5 साल कांग्रेस की सरकार इससे फिर भी अच्छी थी। यहाँ कोई विवाद हो गया था? विवाद तब तो हम नहीं थे लेकिन हुआ है। क्या विवाद हो गया था? ये नहीं पता, ये नहीं, अभी आए हम, जस्ट अभी वोट भी नहीं डाला। छोटा मोटा विवाद हो गया था? हाँ कुछ हो गया था लेकिन अभी जानकारी। अच्छा दादा, वोट डाले? हाँ, किसकी सरकार बना रहे? ऐसे दिखाओ, वोट दिखाओ ऐसे उंगली। हाँ तो किसकी सरकार बना रहे? मायावती की। मायावती की सरकार बना रहे? अच्छा, वोट वोट करके आए? हाँ जा रहे आए। पक्का? पक्का। अच्छा मायावती में क्या खास बात है? अरे खास बात, नौकरी फौकड़ी लग जाएगी, हाँ सब काम हो जाएंगे। हम ऐसे ही सब लोग बाग घूमते हैं, कुछ नहीं करते हो। हाँ अच्छा, बीजेपी में नहीं है? नहीं है। अरे क्या बात है? अरे बतो, सब होगा तो भी सब बताएंगे। अच्छा हाँ, ऊपर तो इस बार सरकार जो है मायावती बनेगी? हाँ मायावती की सरकार बनेगी। यहाँ युवा भी है, मैं सही बात कर लेता हूँ, किसकी सरकार बन रही? सरकार तो इंडिया गठबंधन ही बने। इंडिया गठबंधन? क्यों? बस वगीना देखो, रोजगार सपा खत्म करी दे रही है। रोजगार मुद्दा है? रोजगार निरे मुद्दा है युवाओं के लिए, तो रोजगार मुद्दा लग रहा है युवाओं के लिए, बहुत मुद्दा है। क्या क्या? नौकरी नहीं, 4 साल अग्निवीर कर दो। अच्छा। आदमी हमारे गाँव का युवा के घूमिए रो खेत। तो यहाँ 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 जो चुनाव हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? तो डिंपल यादव के लिए। पक्का? पक्का, तो कोई नहीं छीन तो बता रहे मायावती की सरकार बनेगी। बेईमानी, छीन ले नहीं तो कोई नहीं है। बीजेपी की भी यहाँ पे बता रहे सरकार बनेगी? 2-4 वोट मिली है तो मिली है, और नहीं मिले हैं।
यहाँ 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 ये लोग जो है बता रहे कि यहाँ जो लोग हैं वो बीजेपी के भी हैं और सपा के भी हैं और बहुजन समाज पार्टी के भी हैं। अब देखना ये है कि किस प्रकार यहाँ पे चुनाव जीत हासिल करता है, कौन प्रत्याशी मैनपुरी की सांसद सीट पे बैठता है।